Hello student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is History, Class 6, Chapter 5. History. What books and burials tell us? What books and burials tells us? First I am giving introduction. One of the oldest book in the world, Vedas. Sanskrit and other languages. Lives of various people. Silent Sentinels, A Story of Megaliths, A Closer Look, Inam Gao, Elsewhere, Chinese Civilization, Inam Gao, okay, ये closer one. First, ये introduction, burials means अपन ने कोई भी चीज़ गाड़ते हैं ना, उसको बरी बोलते हैं, burials means, अब जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों को जो गाड़ते थे, burials, तो ये साइट का हम देखेंगे. तो आपको मैं बता रही, पहले इसको देख लीजिए कि गड्ढे में इनको, जिसे गड्ढा करके होल करके इनको गाड़ा जाता था, जिसकी डेथ हो जाती थी. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, वेदास. देर आर फोर टाइप्स ऑफ वेदास. आप, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था वेदास फोर टाइप के होते, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद. फोर टाइप्स वेदास होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद. ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट है. क्या है? ओल्डेस्ट ऋग्वेद, अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड. मतलब जो ऋग्वेद था वो 3500 ईयर्स ओल्ड था. हैज थाउजेंड्स हेमंस कॉल्ड सुक्ता इन प्रेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस. गॉड्स आर स्पेशली टोल्ड, अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड, सोमा अ प्लांट फ्रॉम which a special drink people also called a hemp or bhang. जिसे पहले ज़माने में क्या होता था, ये ऋग्वेदा में कहा गया है कि तीन भगवान जो रहते हैं, थ्री टाइप्स के उन्होंने माने थे. तो अग्नि जो बताया है, अग्नि गॉड ऑफ फायर, आग के देवता जिसको बोलते हैं, इंद्र बादल बरसाते हैं, बारिश करते हैं, और उसके बाद सोमा एक प्लांट रहता है जिसको ये बताते ना कि सोमरस बोलते हैं, जिसको देवता लोग पीते हैं, राक्षस लोग पीते थे सेम सोमरस, तो इसको भी भगवान की गिनती में इस प्लांट को माना गया है. तो उसमें भांग जिसको बोलते हैं ना, अभी भी आप लोग देखते हैं कि शिवरात्रि पे भांग वगैरह वो मिलाई जाती घोट के, शिवरात्रि पे जो प्रसाद के रूप में दी जाती है ना. तो ये सोमरस जो है वो उस समय से चला आ रहा है. दिस हेमंस कंपोज बाय सॉन्ग्स आर ऋषिज. और ये जो हेमंस है, हेमंस मीन्स भजन, ये भजन कीर्तन कौन करते थे? ऋषि और सेजेस. सेजेस मतलब साधु, साधु और ऋषि लोग ये भजन गाते थे. सम हेमंस कंपोज बाय वुमन एंड सम बाय पीपल हुज पेरेंट्स वेयर ऑफ लोअर कास्ट. मतलब उस जमाने में अधिकतर ऋषि, साधु और ये सब जेंट्स ही रहते थे, लेडीज़ बहुत कम रहती थी, मतलब ज़्यादा नहीं रहती थी, कम रहती थी. और उस ज़माने में जैसे लोअर कास्ट के लोग भी थे, तो उनको अगर वो अच्छा ज्ञान हो तो उनको भी इसमें भजन में, कीर्तन में इनमें शामिल कर दिया जाता था. वेदास वेर रिटन इन वैदिक संस्कृत एंड वेर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ल्ड ऑफ माउथ. ये जो वेदास जो लिखते थे वो संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में ही भाषा बोली जाती थी. तो ये लिखा भी संस्कृत में ही जाता था. जैसे ये मैन्यूस्क्रिप्ट पहले लिखने का तो कुछ साधन था नहीं, फिर भी लोग लिखते थे, इस पर लिखते थे, तो संस्कृत भाषा में लिखा जाता था. तो ये जो लिखा जाता था संस्कृत में लिखते थे, और उस समय किसी को इतना ज़्यादा लिखने का ज्ञान नहीं था. तो ये माउथ टू माउथ, मतलब जैसे मैंने करा, मैंने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, मतलब जो साधु लोग रहते थे वो अपने शिष्यों को सिखाते थे, फिर वो उनकी पीढ़ी को सिखाते थे, ऐसे करते करते माउथ टू माउथ ये सिखाते थे भजन कीर्तन जो भी है. दे वर रिटन सेवरल कंट्री सेंचुरीज लेटर एंड प्रिंटेड लेस देन 2000 ईयर एगो. मतलब ये बाद में 200 साल पहले फिर प्रिंट होने लगा, उसके पहले मुँह से ही गाया जाता था, बोला जाता था. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. अब संस्कृत और अदर लैंग्वेज कौन कौन सी? संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड इंडो यूरोपियन. पहले इंडो यूरोपियन लोग भी ये इसका पार्ट था. संस्कृत जो भाषा थी पहले पूरे इसमें बोली जाती थी. विच ऑल हैव सिमिलरली इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स. और उनके शब्द और ये सब इस वैदिक संस्कृत में ही बोले जाते थे. आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड
सिंधी आर इन इंडियन लैंग्वेजेस पार्ट ऑफ देम. इंडियन लैंग्वेज के पार्ट कौन कौन से थे? असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी. ओके, और इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इंडियन एंड स्पेनिश आर अदर लैंग्वेजेस पार्ट ऑफ देम. इंडो यूरोपियन के पार्ट्स कौन कौन से थे? ये वाले थे. नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली. और नॉर्थ ईस्टर्न में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो किसको? बर्मन फैमिली को बिलोंग करती थी, तिब्बतो. तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविड़ियन फैमिली. जो तमिल, तेलुगू, कन्नड़ भाषा जो थी वो द्रविड़ियन फैमिली को बिलोंग करती थी. झारखंड एंड सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कुछ झारखंड की लैंग्वेज बोली जाती थी, इसका भी एक पार्ट था ऑस्ट्रेलिया का. केटल्स, हॉर्सेस एंड कैरियट्स. मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर केटल्स, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस. मतलब पहले ज़माने में जो पूजा होती थी तो किसके लिए पूजा करते थे? केटल्स के लिए, जानवरों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और हॉर्सेस के लिए. केटल्स के लिए इसलिए की जाती थी क्योंकि केटल्स लोगों का बहुत ज़्यादा पहले महत्व था. जैसे अपने अभी मनी पैसे का ज़्यादा है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर ऐसा, तो पहले जिसके पास जानवर ज़्यादा रहते थे तो उन लोगों को ज़्यादा वो माना जाता था, बड़ा रिच ऐसा माना जाता था. तो उसके लिए फिर क्या है, फाइट करते थे तो लड़ाई करके जानवर ले लेते थे. जानवर के लिए लड़ाई होती थी, घोड़े के लिए, हॉर्सेस के लिए लड़ाई होती थी. तो अभी मैं बताऊँगी आपको किस किस के फाइट करते थे. हॉर्सेस टाइड ऑफ टू कैरियट फॉर बैटल्स, बैटल्स फॉर केटल, लैंड, वाटर, कैप्चर पीपल. मतलब काय के लिए लड़ाई होती थी? केटल्स के लिए. ये केटल्स दूसरे फाइट कर करके अपने इसमें मिला लेते थे जानवर. उसके बाद में लैंड, जमीन के लिए, जमीन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा खेती करेंगे. वाटर, पानी के लिए तो होती ही, अभी भी लड़ाई होती है. कैप्चर पीपल पे, कैप्चर पीपल में क्या होता है कि ये जैसे एक राजा दूसरे राज्य पे कब्जा करता है, फाइट करता है, तो वहाँ के जो लोगों को अपने इसमें शामिल कर लेता था और लोअर कास्ट वालों को ये मजदूरी स्लेव्स करवाते, स्लेवरी मतलब मजदूरी करवाते थे और उनको उनसे मनमाना काम करवाते थे. वेल्थ ऑब्टेन सम टू लीडर्स, सम टू प्राइज्ड, रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल, सम यूज्ड फॉर याजना इन विच ऑफरिंग वेयर मेड, ऑफरिंग इंक्लूड घी, ग्रेन, एनिमल. अब जब ये लड़ाई करके पूरा आते थे, जीत के आते थे, धन लाते थे, तो कौन कौन ये डिस्ट्रीब्यूट करता था? सबसे पहले तो लीडर्स, लीडर्स मीन्स राजा, जो भी राजा था. उसके बाद में ब्राह्मण लोग लेते थे, उसके बाद में जो बचा हुआ रहता था वो सब भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में. और उसके बाद में ये फिर ये क्या करते थे? यज्ञ करते थे. तो यज्ञ में ऑफर किया जाता था, दान करते थे ना जो बोलते हैं, तो क्या क्या देते थे? घी, ग्रेन्स एंड एनिमल्स. इन लोगों का ये दान में दिया जाता था, वहाँ यज्ञ होता था उसमें ये करते थे. नो रेगुलर आर्मीज, रेगुलर आर्मीज नहीं थी, बट असेंबल्स वेयर पीपल डिस्कस्ड वार एंड चूज लीडर. पहले आर्मीज नहीं थी, जैसे पूरे गांव वाले एक जगह बैठते थे, राजा शासन होता था, तो वो सब आपस में बैठ के फिर डिसाइड करते थे कि अब अपने को कहाँ कब फाइट करना है, कौन से देश पे लड़ाई करना है, करना है, सब मिलके पूरे गांव वाले मिलके ये करते थे, फिर डिसाइड होता था, फिर उसके बाद में ये लड़ाई करते थे. तो कोई रेगुलर आर्मीज नहीं थी उस समय. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. टू टाइप्स ऑफ हायर रैंक, मतलब टू टाइप्स के रैंक्स थे. हायर रैंक मतलब ऊंची जाति के कौन कौन लोग थे? तो फर्स्ट प्राइज स्टार ब्राह्मण, पहले कौन थे? ब्राह्मण थे. उसके बाद में परफॉर्म रिचुअल, मतलब वो पूजा पाठ अनुष्ठान जो करते थे ये ब्राह्मण लोग करते थे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता था. तो सबसे ऊंची रैंक में ये आते थे ब्राह्मण, प्राइस. राजस, राजस दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस आर आर्मीज, नो टेक्स दैट टाइम, सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस्ड देयर फादर्स. मतलब दूसरा रैंक में आते थे राजा, राजा लोग क्या करते थे? उनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं थी और ना ही उनकी कोई आर्मीज थी. उसके बाद में कोई टैक्स नहीं था लगता था जब, उसके बाद में ऐसा जैसे राजा के बाद उसका बेटा ही राजगद्दी लेगा ये भी नहीं होता था. जो अच्छा रहता, परफॉर्म करता था, उसको फिर राजा बना दिया जाता था. ये तो अब चलन हो गया है कि राजा के बाद उसके बेटे को राजगद्दी दी जाए, और नेता भी कोई रहता तो नेता के बाद उसके बेटे को पद दिया जाए. तो ये पहले ज़माने में उस समय नहीं था. कॉमन पीपल कॉल्ड जना एंड विश, एग्जाम्पल यदुवंशी एंड चंद्रवंशी. जो कॉमन पीपल थे, दो रैंक वाले तो थे ही, उसके बाद में कॉमन पीपल भी थे, तो उनको जन और विश कहते के नाम से जाना जाता था, यदुवंशी एंड चंद्रवंशी. पीपल हु कंपोज
हेमंस कॉल्ड देमसेल्व आर्यंस, और जो भजन कीर्तन और सब करते थे तो उनको क्या बोलते थे, वो अपने आप को आर्यन बोलते थे. क्या बोलते थे? आर्यन. एग्जाम्पल आर्यंस, दिस वॉज अ रेस ऑफ पीपल हु कंट्रोल द सोसाइटी, और वो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करते थे, वो एक समाज बनाते थे उसको कंट्रोल करते थे. कौन लोग? आर्यन. ये आर्यन लोग पहले अंटार्कटिका में रहते थे, वहाँ फिर थोड़े दिनों बाद, पहले अंटार्कटिका में क्या बर्फ नहीं था, ठंडा नहीं था, फिर थोड़े दिनों बाद अर्थ थोड़ा सा ऐसे मूव हो गई, उसके बाद में क्या हुआ कि उन लोग ने वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, तो ये कुछ लोग आर्यंस इंडिया में चले गए, कुछ यूरोप में चले गए. तो इंडिया में आके इन्होंने वहाँ पर भजन कीर्तन सोसाइटी बनाई, फिर यूरोप में चले गए कुछ लोग. लोअर स्ट्रेटस ऑफ सोसाइटी वॉज कॉल्ड दासाज आर दासीज, दे वर पीपल कैप्चर्ड इन वार एंड दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू एनीथिंग दे वॉन्टेड. स्लेव्स डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस टू एंड वर्शिप, दे ऑल्सो स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज. अब जैसे जो लोग जीत के आते थे सोसाइटी में, तो उनको लोअर कास्ट के लोगों को क्या, एक पहले सब सब्जियों की दुकान लगती थी ना, पहले से इन मजदूरों की दुकान लगती थी, मतलब इनको लाइन से बिठाया जाता था, फिर उनकी बोली लगती, फिर उनको खरीद के लाते थे, तो उनसे मन उनको दास और दासीज के नाम से जाना जाता था, और उनसे मनमाना काम करवाया जाता था. उसके बाद में क्या होता था, जो ये भाषा बोलते संस्कृत भाषा बोलते तो उनको नहीं बोली जाती, उनकी लैंग्वेज अलग थी. उसके बाद में उनको मंदिर में पूजा करने का भी अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं, उनको दूर रखा जाता था, लेकिन उनसे काम तो मनमाना करवाया जाता था, स्लेवरीज बनाए जाते. दे ऑल्सो स्पोक ए डिफरेंट लैंग्वेज, वो अपनी अलग भाषा बोलते थे. साइलेंट सेंटिनल्स, स्टोरी ऑफ द मेगालिथ. अब साइलेंट सेंटिनल्स मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई और उसको ऐसा गाड़ दिया ज़मीन में, तो उसके आगे क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर. मेगालिथ मतलब, लिथ्स मतलब स्टोन, मेगा मतलब बड़े, बड़े बड़े पत्थर उसके आसपास लगा दिए जाते थे, ताकि ऐसा लगता था कि इसकी डेथ हुई तो उसके आसपास उनको पहरेदार जैसा रखा जाता था. जैसे ये मैं ये बुक लाई हूँ, इसमें देखिए, ये यहाँ पे उसको जिसकी डेथ होगी उसको गाड़ दिया गया है, और उसके चारों तरफ ऐसे पत्थरों का घेरा बना दिया, ताकि पहरेदार जिसको बोलते हैं साइलेंट सेंटिनल्स है ना, तो ऐसे और रखा जाता था. मेगालिथ्स वेयर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स इन डेक्कन साउथ इंडियन काश्मीर एट्सेट्रा फ्रॉम अबाउट 3000 ईयर एगो, सम फाउंड अंडरग्राउंड वाइल सम ऑन सरफेस. अब जैसे देखा गया कश्मीर में आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया 3000 ईयर एगो, तो उनको क्या मिला, कुछ तो गाड़ के दफनाया जाता था लोगों को जिसकी डेथ होती थी, कुछ सरफेस पे ही ऐसे रखा जाता था, और उसके आसपास पत्थर रखे जाते थे, ताकि अपने को पता चल जाए कि यहाँ पे इसका बॉडी रखी गई है. अ सर्कल ऑफ बोल्डर्स ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज द इंडिकेशन ऑफ बरियल बेनेथ. मतलब वही मैंने बताया ना, गोल घेरा ऐसा बना के और उसको रखा जाता था, ताकि पहचान हो कि यहाँ पे उसको रखा गया है. डेड वेयर बरीड विथ डेकोरेटिव पॉट्स टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. मतलब जिसकी डेथ होती थी तो उस समय ऐसा बोला जाता था कि वो एक दूसरी दुनिया में ही जा रहे हैं, अलग दुनिया में जा रहे हैं, तो उनके साथ पॉट्स रखे जाते थे, डेकोरेटिव पॉट्स, उनके जो ऑर्नामेंट्स गहने थे गोल्ड सिल्वर के, जो वेपन्स भी रखे जाते थे, मतलब जो भी सुविधा की चीज़ें थी वो सभी उनके साथ, उनकी बॉडी के साथ साइड में रखा जाता था. ए स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव, अ साइट ऑफ रिवर घोट ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो. हियर एडल्ट्स वेयर बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विथ द हेड ऑफ टूवर्ड द नॉर्थ. ये इनाम गाँव जो है, तो ये 3600 और 2700 ईयर एगो पाया गया, जिसको दिखा मिला. तो इसमें यहाँ पे भी क्या होता था, जब गाड़ते थे तो उसका हेड जो रहता था नॉर्थ की साइड में रखा जाता था, तो वहाँ पे देखा गया ये. द मेन वॉज फाउंड इन बरीड इन ए लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन द कोर्ट यार्ड ऑफ फाइव रूम्ड हाउस. और एक जगह ऐसा देखा गया कि जैसे फोर लेग्स वाले पॉट रहते ना, क्ले मिट्टी के बर्तन, मतलब चार पाए रहते जिसके, तो उसके अंदर इसको रख के चबूतरे जैसा इनको बना के पाँच रूम में ऐसा एक बॉडी ऐसी भी देखी गई है, मतलब सर्च करे पता चला. फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंस,
सम बरियल साइट्स आर फाउंड विथ मैनी वैल्यूएबल आइटम्स वाइल सम आर फाउंड विथ फ्यू ऑर्डिनरी थिंग्स. दिस शोज द डिफरेंस इन शोज ऑफ पीपल इन स्टेटस ऑफ पीपल. मतलब कहीं कहीं जैसे किसी को गाड़ा तो उसके साथ बहुत सारे ज्वेलरी ऑर्नामेंट वगैरह रखे जाते थे तो बोलते थे रिच फैमिली को बिलोंग करता है. और कहीं कहीं जैसे गाड़ते थे किसी को दफनाते थे तो फिर उसमें क्या होता था कि वहाँ कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ कम चीज़ें दिखती थी, तो उससे वैल्यू का पता स्टेटस का पता चलता था कि ये लोअर मतलब पुअर फैमिली से है, ये रिच फैमिली को बिलोंग करता है. ओके. समटाइम्स मेगालिथ्स हैड मोर देन वन स्केलेटन इंडिकेटिंग दैट दोज हु डाइड लेटर वेयर ब्रॉट इन टू ग्रेव्स बाय पोर्ट होल. मतलब जैसे किसी की डेथ होगी तो उसकी फैमिली की मेंबर की किसी की डेथ होगी तो उसी के साथ उसको भी दफनाया जाता था पास में, तो पोर्ट होल कर करके उनको नीचे जैसे दफनाया जाता था. और स्पेशल बरियल एट इनाम गांव. ये साइट्स ऑन रिवर गॉड. व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेलर्स. अब स्केलेटन क्या कहता है उसके बारे में बताएंगे. टू फिगर आउट जेंडर ऑफ ए स्केलेटन बोन स्ट्रक्चर इज नोटिस द हिप और पेल्विक एरिया ऑफ वुमन इज लार्जर देन मैन टू इनेबल चाइल्ड बींग. अब इसमें पता कैसे लगा, जैसे बहुत सारी बॉडीज स्केलेटन पड़े हैं लेकिन पता कैसे चले. बच्चे का तो पता चला है कि बच्चे का स्केलेटन है लेकिन मैन वुमन में कैसे पता चलता है. तो फिर उसमें क्या होता था, लेडीज़ का ये हिप टाइप, हिप जो रहता था पेल्विक बोन जो रहती थी वो बड़ी टाइप रहती थी, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग मतलब बच्चा पैदा जो करते हैं तो उस समय उनको प्रॉब्लम नहीं आती, तो उससे पहचान होती थी पेल्विक बोन से. यहाँ पे पेल्विक बोन से उनका पता लगाया जाता था कि ये लेडीज़ का है ये, और जेंट्स का मालूम पड़ जाता था. बच्चे का तो छोटा रहता तो पता चल जाता था. अबाउट 2000 ईयर एगो अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चरक संहिता. 2000 ईयर एगो एक चरक करके थे, उन्होंने फिजिशियन थे, उन्होंने एक मेडिसिन बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता. ही स्टेटस द दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ 300 बोन. उन्होंने उस समय मतलब कितना नॉलेज होगा, उस समय उन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 300 बोन्स रहती है. ही काउंटेड टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस ऑल्सो विच आर नॉट काउंटेड इन मॉडर्न एनाटॉमी विच सेज ह्यूमन हैव अराउंड 200 बोन्स. मतलब उस समय उन्होंने टीथ और ये बोन्स जो जॉइंट रहते हैं उनको भी काउंट किया था, इसके अकॉर्डिंग 300 बोन्स हो गई. लेकिन मॉडर्न एनाटॉमी में अभी 200 बोन्स को काउंट कर रहे हैं क्योंकि टीथ और बोन जॉइंट को काउंट नहीं किया जाता है. तो उस समय सोचो कि वो 2000 ईयर एगो फिजिशियन जो थे उन्होंने इसका पता लगा लिया था. एल्सवेयर लास्ट है ये अपना, तो एल्सवेयर में अपन पढ़ेंगे. चाइनीज सिविलाइजेशन वॉज थ्राइविंग एट द टाइम अराउंड 3500 ईयर एगो वी फाइंड सम एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना. जैसे जैसे अपने इंडिया सिविलाइजेशन हुआ था, इंडस सिविलाइजेशन, उसी समय चाइना का भी सिविलाइजेशन चल रहा था. तो साथ साथ में उनके भी बहुत बड़े भगवान थे, अपने जैसे अपने थे उनके भी बहुत भगवान थे, बहुत सारे उन रिच थे वो लोग. दिस राइटिंग वेयर ऑन एनिमल्स बोन्स विच वेयर कॉल्ड आर ओरेकल बोन्स एज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर फॉर द किंग. अब जैसे उस समय क्या होता था, बोन्स रहती थी एनिमल्स की बोन्स रहती थी तो उसमें ओरेकल्स जो लोग रहते थे जो जादू टोना करते थे ना तो वो लोग उस पर लिखते थे तो उससे पता चलता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसे करके माना जाता था उस समय. तो दिस किंग्स लिव्ड इन पैलेस एंड अस्यूम्ड एम्स वास्ट वेल्थ. और उस समय क्या होता था, राजा लोग बहुत ज़्यादा वो रहते थे एक्टिव के, अरे भविष्य में क्या होने वाला हमें बताइए, तो वो लोग जादू टोना करके आग में उसको डालते थे और फिर पता नहीं कुछ स्ट्रक्चर बनता होगा उस समय, तो उनका भविष्य बताया जाता था कि आपके भविष्य में ये होने वाला है. उस समय राजा पैलेस में रहते थे, महल में रहते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा धन था तो वो कलेक्ट करते थे. लास्ट वन इज़ ए आपका है होमवर्क है, ये आपको करना है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग था, छोटा चैप्टर था. ये होमवर्क करना है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट. ओके, थैंक यू.